जय हिंद साथियों, मैं अंकित निषाद आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। ये करंट अफेयर की दूसरी वीडियो है। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला है, आप लोगों ने उस वीडियो को या देखा नहीं है तो सबसे पहले आप उसको देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिए। ठीक, ये जो करंट अफेयर ये है, ये DFCCIL, NWDA, UPPCL और UPRBNL के लिए है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो एक में जो पार्ट नंबर एक है उसमें क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया था, यहाँ शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 11 से। तो बायोनटेक कंपनी कहाँ की कंपनी है? बायोनटेक कंपनी कहाँ की कंपनी है? ये कहाँ की है? जर्मनी की। ये कहाँ की है? जर्मनी की कंपनी है। ठीक, इसके बाद है कि बसेरा योजना, बसेरा योजना किस राज्य की योजना है? बसेरा योजना किस राज्य की योजना है? ये कहाँ की है? पंजाब की। ठीक, आगे है कि वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? ये कौन जारी करता है? FAO। FAO, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि FAO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। आगे है कि एकमात्र हाई कोर्ट, भारत का एकमात्र हाई कोर्ट जहाँ की चीफ जस्टिस एक महिला है, क्या कहा गया है कि भारत का एकमात्र हाई कोर्ट जहाँ की चीफ जस्टिस एक महिला है वो कहाँ का है? कहाँ का है? वो है तेलंगाना। तेलंगाना हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस का नाम है हीमा कोहली। क्या नाम है? हीमा कोहली, ये एकमात्र महिला हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हैं। ठीक, आगे है कि कृषि संजीवनी बैन किस राज्य ने शुरू किया? कृषि संजीवनी बैन कर्नाटक राज्य ने शुरू किया। ये इसमें थोड़ा सा जान लेते हैं क्या है कि कृषि संजीवनी बैन में बैन जो है वो जाएगी आपके खेत तक और वहाँ से सैंपल कलेक्ट करेगी और उसकी टेस्टिंग करेगी और यह बताएगी कि इसमें कितना पानी और कितना पेस्टिसाइड या कौन सा पेस्टिसाइड यूज किया जाए। ठीक, आगे के क्वेश्चन को देखते हैं कि भारतीय मानक ब्यूरो 6 जनवरी 2021 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? सबसे पहले तो क्वेश्चन में ही एक और क्वेश्चन है कि अगर ये पूछ ले कि भारतीय मानक ब्यूरो अपना स्थापना दिवस कब मनाता है तो वो कब मनाएगा? 6 जनवरी, एक आंसर यहीं पे है। ठीक, अब दूसरा ये पूछ रहा है कि कौन सा था 74वां। ठीक, आगे है कि चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित किया गया? कहाँ आयोजित किया गया? मणिपुर। ठीक, इसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है? अब एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि 2022 में जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती होगी वो कौन सी होगी, तो वो कौन सी होगी? 125वीं। ठीक, इसको भव्य तरीके से मनाया जाएगा, इसके लिए एक समिति बनी है, उस समिति की अध्यक्षता खुद मोदी जी कर रहे हैं। ठीक है, आगे क्या है कि 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश कौन सा था? बांग्लादेश। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 जो कि लास्ट क्वेश्चन है वो लगी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान था? तो भारत का कौन सा स्थान था? 85 नंबर। ठीक, याद रखेंगे। ठीक, क्वेश्चन 20 हो गया, मतलब 10 क्वेश्चन हो गए हैं। तो दूसरा, अब
यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं। यदि वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, कोई दिक्कत है या कोई गड़बड़ी है तो बताइए, उसको अगले वीडियो में सही करेंगे। जय हिंद, जय भारत।